कैसे हैं आप सब? हाँ बच्चों, आज हम सीखेंगे जानवरों के बच्चों के नाम, और वो भी हिंदी भाषा में। तो चलो शुरू करते हैं। दुनिया भर में कई प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। कुछ जानवर शाकाहारी होते हैं तो कुछ मांसाहारी। कई प्राणी जंगलों में मिलते हैं तो कुछ जानवर पालतू बनाकर पाल भी लिए जाते हैं। विभिन्न जानवरों के बच्चों के नाम और जानकारी देने का प्रयास हमने इस वीडियो में किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। तो आइए शुरू करते हैं छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से जानवरों के बच्चों का नाम। तो ये है पहला, बछड़ा यानी काफ। बछड़ा घरेलू और दूध देने वाली गाय का बच्चा है। मदर बछड़ा यानी मादा बछड़ा बड़ी होकर दूध देती है, जबकि नर बछड़ा बैल बनता है। इसका उपयोग खेत जोतने में होता है। गाय एक बार में केवल एक ही बच्चे को जन्म देती है। और भैंस, जिराफ, ऊंट, हाथी के बच्चे को भी बछड़ा कहा जाता है यानी काफ। अब दूसरा देखते हैं, घोड़े के बच्चे को फोल कहा जाता है। फोल यानी घोड़े का बच्चा होता है। यह एक पालतू जानवर है जिसका उपयोग सवारी के लिए किया जाता है। घोड़े भी एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देते हैं। और आप जानते हैं, ज़ीब्रा और गधे के बच्चे को भी फोल कहते हैं। अब आते हैं किटन यानी बिल्ली के बच्चे, जिसे हिंदी में कहा जाता है बिलौटा। बिल्ली के बच्चे को बिलौटा कहते हैं। बिल्ली एक घरेलू जानवर है जो आमतौर पर घर के आसपास ही रहती है। बिल्ली एक बार में करीब 3 से 5 बच्चों को जन्म देती है। देखिए कितने सुंदर बच्चे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चिक, मुर्गी यानी हैन के बच्चे को चिक कहते हैं, और हिंदी में चूजा। मुर्गी के बच्चे को चूजा कहा जाता है। जितने अंडों को मुर्गी सेती है उतने ही बच्चे निकलते हैं। और आप जानते हैं, शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच के बच्चे को भी चिक ही कहते हैं। ये सब कितनी अमेजिंग बातें हैं। अब आते हैं, बकरी के बच्चे को हम हिंदी में क्या कहते हैं? किड। बकरी के बच्चे को हिंदी में किड कहते हैं। बकरी करीब से करीब जन्म देती है 1 से 3 बच्चे। और फिर अब आते हैं शिशुचर यानी कब। आप जानते हैं कब बहुत सारे जानवरों के बच्चों को कहते हैं, जैसे कि शेर, बाघ, भेड़िया और भालू, चीता, इन सभी के बच्चों को शिशुचर यानी कब कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, यानी हिरण के बच्चे को हम हिंदी में क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं फॉन। और यह प्राणी एक बार में करीब 1 से 2 बच्चे को जन्म देता है। ओ, ये तो बदक के बच्चे हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में डकलिंग कहते हैं। और यह पानी में तैरने वाले जीव होते हैं। बदक के बच्चे को डकलिंग कहा जाता है। फिर अगला आता है हंस का बच्चा, सिग्नेट। हंस के बच्चे को इंग्लिश में सिग्नेट कहते हैं। हंस वैसे तो पक्षी है, पर यह पानी में तैरने वाला जीव है। अरे, अब आया है कंगारू का बच्चा यानी जोई। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला कंगारू का बच्चा, जिसे अंग्रेजी में जोई कहते हैं। यह बच्चा माँ के पेट पर मौजूद थैली में पाया जाता है और वहीं काफी देर तक पलता है। अब आते हैं हैचलिंग। हैचलिंग भी बहुत सारे जानवरों के बच्चों को कहा जाता है, जैसे कि मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुआ, इन सभी के बच्चों को हैचलिंग कहते हैं। और यह प्राणी अंडों से विकसित होते हैं। वैसे स्नेक यानी सांप भी इसमें आता है, और सांप के बच्चों को स्नेकलेट भी कहते हैं। और अब आता है खरगोश यानी रैबिट। खरगोश के बच्चे को कहा जाता है लैवरेट। इसे इंग्लिश में लैवरेट कहा जाता है। यह एक तेज दौड़ने वाला प्राणी है। खरगोश पालतू और जंगली दोनों प्रकार के होते हैं। ये अब आगे बढ़ते हैं। शिशु यानी इन्फेंट। गोरिल्ला और इंसान दोनों के बच्चों को इन्फेंट कहा जाता है यानी शिशु कहा जाता है।
आगे है लोमड़ी यानी फॉक्स। लोमड़ी के बच्चों को किट कहा जाता है। यह एक जंगली जानवर होता है, पर ये कितना प्यारा दिख रहा है। चलिए अब हम हमारे आखिरी जानवर की ओर बढ़ते हैं। यह है सील, जो पानी में रहती है यानी समुद्र के किनारों पर भी मिलती है। सील के बच्चे को कहा जाता है बेबी सील यानी पप। सो आज हमने बहुत सारे जानवरों के बच्चों के नाम देखे। जानवर के बच्चे खूबसूरत और आकर्षक होते हैं, चाहे वो शेर का बच्चा ही क्यों ना हो। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।